फेसबुक पे मेरे से जुड़े जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे बच्चे, सबको नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं कि चाणक्य ये कह के गए थे कि अपनी जिंदगी इतनी बड़ी नहीं होती है कि हर बार आप हर गलती को करके उसके बाद फिर उससे सीख लें। कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ता है, उसको अपना अनुभव बनाना पड़ता है, और फिर हम लोग साइंस के हिसाब से बोले तो उसके रेफरेंस को कोट करके अपनी चीजों को सुधारनी पड़ती है। ये वीडियो मैंने अपने पहले एक बच्चे के लिए बनाने वाला था, फिर मैं अब दो बच्चों के लिए बनाने वाला हूं, और फिर अब ये थर्ड है कि मैं इन सारे बच्चों के लिए बनाने वाला हूं जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। पहले बच्चे का नाम है सुषमा और दूसरे बच्चे का नाम है नेहा भारती। हेलो सुषमा, हेलो नेहा। कुछ दिनों पहले सुषमा ने मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छी लाइंस लिखी कि फॉर द वर्ल्ड आई माइट बी अ टीचर, बट फॉर माई स्टूडेंट्स आई एम नथिंग लेस देन अ हीरो और आई एम जस्ट लाइक अ हीरो। बेटा, मैं कोई हीरो हीरो नहीं हूं, मैं आप लोग सबको बता देता हूँ। सब ये बच्चों की भावनाएं हैं या उनका इमोशन होता है जो मुझे ऐसा समझते हैं। लिटरली क्या है कि मैंने अपने लाइफ में कई फेलियर्स देखे हैं और कई गलतियां की हैं, जिसको मैं अब क्लॉजेज और उनको रूल्स के हिसाब से मैं उसको बांट के रखता हूँ, और फिर वही एक्सपीरियंसेस मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। जैसा मैंने शुरू में बताया कि चाणक्य ने क्या कहा था, आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स और द स्कॉलर्स एसोसिएटेड विथ मी टू रिपीट ऑल द मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड इन माई लाइफ। मैं इनको बताता हूँ कि भाई मैंने ये चीजें की हैं, मेरे से ये गलतियां हुई थी। 3 घंटे पढ़ो रोज, ठीक है। आप अगर कोई लैब में, जो भी बच्चे ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ काम करते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी चीज को यूज करने में कहाँ गड़बड़ियां होती हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरिया को पिक करने से लेकर के आगे तक की बातों को। तो ये बच्चे अक्सर काफी इमोशनल होकर के मुझे बहुत सारा नोटेशंस देने लगते हैं, हीरो बोलते हैं और बाकी चीजें बोलते हैं। बेटा, दो चीजें और भी ऐड करना चाहता हूँ। अच्छाई उसी को दिखती है जिसके अंदर में अच्छाई होती है। अगर आप अच्छे हैं तो सबको ही आपको अच्छा दिखाई देता है, जो अंदर से बुरे होते हैं उनको पूरी दुनिया ही बुरी दिखती है। तो फ्रॉम माई साइड व्हेन आई सी यू, और आप बच्चों को जब मैं देखता हूं, तो अगर आप मुझे हीरो बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप में कहीं ना कहीं एक हीरो है, आप में कहीं ना कहीं एक अच्छाई है जो आप दूसरों में हीरो और अच्छी बातें आप देख पाते हो। अदरवाइज फिर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और बहुत सारी बातों के बारे में बताया था। तो कई लोग ऐसे हैं जो इसी वर्ल्ड में, इसी शहर में, इसी विसिनिटी में रहते हैं, जो मेरे बातों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ही उनको मेरी बातें पसंद आती हैं। तो बेटा, आई एम रियली थैंकफुल कि आपने कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। मैं पर्सनली जानता हूँ, और भी आपके भी जो दोस्त लोग हैं वो जानते हैं कि हाउ मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑफ द लाइफ यू आर गोइंग थ्रू। आई जस्ट प्रे कि भगवान आपको स्ट्रेंथ दे, सबकी दुआएं आपको मिले और हर तरह की खुशियां और कामयाबी आपको मिले। एक और बच्चा है नेहा भारती, मैंने उनको लैब में कुछ छोटा सा एक अच्छा सा रिजल्ट आया हुआ था, मैं इतना थोड़ा इमोशनल और खुश हो गया था कि मैंने उनको अपनी कलम गिफ्ट कर दी हुई थी। वो बच्चा इतना खुश हो गया कि उसने आज से लगभग, मुझे लगता है लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले उसने मेरे बारे में लिखा था कि अप्रिशिएट करने का तरीका और क्लास को किस तरह से मैं रन करता हूँ, बच्चों से किस तरह से इंटरेक्ट करता हूँ, ये सब तरीका बाकी टीचर्स से और बाकी चीजों से थोड़ा अलग है। हाँ, हर टीचर का अपना तरीका है, मेरा भी अपना है। मैं बच्चों से जुड़े हुए रहना चाहता हूँ, मुझे उनकी फिक्र होती है, और थोड़े थोड़े छोटे छोटे बूस्टअप्स पे मुझे मालूम होता है कि एक बार में मैं अगर उनको 10 स्टेयर्स चढ़ने की बात करूंगा तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं उनको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप तक पे बूस्टअप करता हूँ ताकि वो 10 स्टेयर्स तक चल सकें। सो बच्चे, आप हैं, आप दोनों तो हैं ही, साथ में कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुझे अपना आइडल मानते हैं और मेरी तरह या मेरे कहे के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं। उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू। बेटा, मैं जो बोलता हूँ, जैसा कहने के लिए, पढ़ने या करने के लिए कहता हूँ, आप फॉलो कर रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि सक्सेस आपको मिले ना मिले, मेरे लाइफ में जो गलतियां हैं वो आप रिपीट नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो फिर से एक बार थैंक यू फॉर योर काइंड एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। आप दोनों बच्चों को और जो भी बच्चे इस तरीके के इमोशंस से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबको थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।